राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप को लेकर उत्तर प्रदेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में शुक्रवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा। इस हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मेरठ में 4, वाराणसी, कानपुर, बिजनौर, संभल में 2-2 लोगों की मौत हुई है, जबकि फिरोजाबाद में एक शख्स की इसमें जान गई। सीएम अशोक गहलोत ने कामचोर और नकाराधिकारी कर्मचारियों की जमकर खबर ली। सीएम ने कहा कि सरकार में अच्छे काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कामचोर और नकाराधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने जैसे सख्त कदम उठाने जरूरी है। सीएम गहलोत ने कहा कि अच्छे काम करने वालों और नकारा कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना उचित नहीं। नागरिकता संशोधन कानून को राजस्थान में लागू करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को राजधानी जयपुर में बीजेपी सड़कों पर उतरी। बीजेपी ने शहीद स्मारक से पैदल मार्च निकाला और बाद में सिविल लाइंस फाटक पर सभा की। विराटनगर में उपखंड कार्यालय के सामने पूर्व भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के एक साल में किए गए कार्यों से खफा होकर जन समस्याओं व किसानों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ज्ञापन में कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश जताते हुए सरकार को नाकाम बताते हुए धनखड़ ने कहा कि यह सरकार फेल हो गई, कहीं भी कोई विकास नजर नहीं आ रहा, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। चीपाबड़ोद के छबड़ा विद्युत विभाग द्वारा अधिशासी अभियंता शेर सिंह मीणा के नेतृत्व में 6 टीमें गठित की गई, जिसमें छबड़ा कस्बे में कई जगह विद्युत चोरी करने वालों के यहाँ छापे मारकर 84 VCR भरी गई। वहीं लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गठित टीम ने चीपाबड़ोद सहायक अभियंता रामराज मीणा, कनिष्ठ अभियंता विजय कुमार यादव आदि विद्युत कर्मचारियों की मौजूदगी में अधिशासी अभियंता SS मीणा ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI श्री गंगानगर का जिला सम्मेलन स्थानीय जैन धर्मशाला में आयोजित हुआ। सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए पूर्व राज्य उपाध्यक्ष शौपत मेघवाल ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा का निजीकरण कर आम गरीब विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। मेघवाल ने बताया कि आज शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र सड़कों पर है, तो वहीं सरकार JNU अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालयों पर हम लेकर होने बंद करने में लगी है। झलावाड़ के गंगधार में व्रत क्षेत्र के गंगधार डग वाउन हिल नागेश्वर थाने के पुलिस कर्मियों को नई वर्दी वितरित की गई। वर्दी प्रभारी हेड कांस्टेबल घनश्याम मीणा ने बताया कि गंगधार डग वाउन हिल थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को वर्दी वितरित की गई। पुलिस कर्मियों को सूती वर्दी, गर्म शर्ट, टोपी, PT बनियान, PT सूट, जूते, जुराब जैसी गर्म कोट, बेल्ट, डर्बी जूते व पुलिस चिन्ह प्रतीक लकड़ी का डंडा दिया गया, जिन्हें पाकर पुलिस कर्मी प्रसन्न दिखे। बीकानेर जिले में गांवों की सरकार की प्रक्रिया तहत कोलायत, लूणकर्ण सर व बच्चू क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरपंच के आरक्षणों की लॉटरी निकाली गई। पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया को लेकर बीकानेर जिले की कोलायत, लूणकर्ण सर व बच्चू पंचायत समिति के पंचायत चुनावों के सरपंच पदों की लॉटरी निकाली। कोलायत क्षेत्र की 35 ग्राम पंचायत व लूणकर्ण सर पंचायत समिति के 51 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली। पाली के देसुरी में महिला अधिकारिता विभाग पाली की ओर से देसुरी ब्लॉक में एक दिवसीय किशोरी बालिका योजना अंतर्गत किशोरी बालिका शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। ब्लॉक सूचना सहायक प्रगति रामावत ने व भगवती आहिर के नेतृत्व में 30 बालिकाओं को अलग अलग सरकारी कार्यालयों में शैक्षणिक भ्रमण करवाया, जिसमें सरकार अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल, ग्राम्य पंचायत, सरकारी विद्यालय, पंचायत समिति जिसमें किशोरियों को स्वस्थ चिकित्सा, पंचायत राज की नियम व जनकल्याणकारी योजना, आयुर्वेद के बारे में अधिकारियों ने ज्ञान व जानकारी से अवगत करवाया।
जोधपुर के ओसिया ब्लॉक के कबूतरा चौक स्थित प्राथमिक विद्यालय में चल रहे गैर आवासीय निष्ठा शिविर का समापन तहसीलदार रामेश्वर छाबा की अध्यक्षता में हुआ। शिविर के दौरान छाबा ने अध्यापक व अध्यापिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश व युवा पीढ़ी के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक अध्यापक व अध्यापिका को अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करना चाहिए। CBO हरिराम चौधरी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में कोई भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ऐसी कोशिश आप और हम सब मिलकर करेंगे तभी उज्जवल भारत का सपना साकार होगा। जालौर के मोदरान में रामसिंह पुलिस थाना क्षेत्र के मोदरान रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक 4 वर्षीय बालिका टांके में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोदरान रेलवे स्टेशन पर 4 वर्षीय बालक ध्रुव जिंगर पुत्र भूपेंद्र कुमार जिंगर की गुरुवार को अपने चाचा घर के अंदर खेलते खेलते टांके में गिर गया था। उनके परिवारजन घर में मकान के निर्माण कार्य में व्यस्त थे जबकि ध्रुव खेलते खेलते टांके में गिर गया। कुछ ही देर में बाद में पता चला तो बालक टांके में तैरता हुआ मिला। लेकिन तुरंत चिकित्सालय लेकर गए लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। बच्चे की मौत की खबर पाते ही पूरी जिंगर कॉलोनी में शोक की लहर छा गई। प्रतापगढ़ के दरियाबाद में शैक्षणिक संस्थाओं के विकास के लिए दयाल वाधवानी चैरिटेबल ट्रस्ट कई वर्षों से प्रयास किए जा रही हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय राजकीय विद्यालय इंदिरा नगर में समारोह पूर्वक कार्यक्रम में खिलौना बैंक की स्थापना की गई। अत्यधिक शीतलहर को देखते हुए विद्यालय के सभी बच्चों को स्वेटर वितरित किए और स्वस्थ रहने के तरीके समझाए व ट्रस्ट द्वारा सामाजिक कार्यों में समय समय पर योगदान करने का श्रेष्ठ उदाहरण दिया गया। बारा के चीकाबड़ोल कस्बे में राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण होने पर दामानल स्कूल में रन फॉर निरोगी राजस्थान दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ दानमल स्कूल के से प्रारंभ होकर बस स्टैंड हनुमान चौराया होते हुए पंचायत समिति परिसर पहुंची जहाँ दौड़ का समापन किया गया। दौड़ में स्थानीय कार्यवाहक उपखंड अधिकारी पन्नालाल रेगर, थानाधिकारी विजेंद्र सिंह जादौन, विकास अय्यन महेश गर्ग, सरपंच गजेंद्र जैन समेत जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, गणमान्य नागरिक, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। भीलवाड़ा में ग्राम पंचायतों के सरपंच व वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी पहले दिन शुक्रवार को सहाड़ा, सुवाणा, मांडल, करेड़ा व रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र के वार्ड 135 सरपंचों सहित 1535 वार्ड पंचों की लॉटरी निकाली। कलेक्टर सभागार, उपखंड कार्यालय, कलेक्टर निर्वाचन विभाग सहित स्थानों पर लॉटरी निकाली गई। सबसे ज्यादा भीड़ सुवाणा पंचायत के सरपंचों की लॉटरी के दौरान रही जो उपखंड अधिकारी टीना डाबी व तहसील अजीत सिंह के निर्देशन में निकाली गई। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में शुक्रवार को हुए प्रदेश भाजपा के प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ खफा नजर आई। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई सभा के लिए बनाए गए मंच पर बैठने से भी इनकार कर दिया लेकिन बाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मान मनफार के बाद राज्य मंच पर बैठी। फिलहाल गांव खबर शहर बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।